लौट कर ना आया, अब थक गई है काव्या सपने सजा सजा, थक गई है काव्या सपने हर को सम्मान यूं ही मिलता रहे जो लोगों, नारी को सम्मान यूं ही मिलता रहे जो लोगों, साहित्य की दुनिया की शान बन जाएगी, और बोल में जो अपने मिठास भर लेगी राना, देशवासियों का अभिमान बन जाएगी। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, क्या बात। बहुत धन्यवाद आपका प्यार मिला, आपकी मोहब्बत मुझे मिली, बहुत अच्छा लग रहा है। पढ़ती हूँ सुनिएगा, कि आपका साथ हो, आपकी बात हो, आपका साथ हो, आपकी बात हो, दिन चमकता हो, चांदनी रात हो, आपके साथ तो पल बिता लूं जरा, आपके साथ तो पल बिता लूं जरा, जाने फिर कब कहां ये मुलाकात हो। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। सम्राट इन्फॉर्मेशन जो पत्रिका है, इसमें जितने भी मुंबई महानगर के बड़े बड़े पदाधिकारी हैं, चाहे वो सीईओ हों, चाहे महाडा के हों, चाहे जो है वो एसआरए के हों, चाहे वो एमएमआरडीए के हों, सभी अधिकारियों का इंटरव्यूज वगैरह जो है छापा जाता है, और उसमें कोशिश ही किया जाता है कि हिंदी से संबंधित जो है ज़्यादा बातें जो है उनको समझ में आए, उनके कार्यों को किस प्रकार से निष्पत्ति दे रहे हैं और किस तरीके से उनका जो है कार्यकलाप है, उनका बजट क्या है, अग्रिम कार्रवाई क्या होगी, आगे क्या कदम उठाएंगे वो, ये तमाम चीज़ें हम लोग जो है इंटरव्यू के रूप में उसमें छापते हैं। और उसका जो है सह संपादक के रूप में भाई सुरेश जी हैं, मैं राजेश मिश्र हूँ, और मुख्य संपादक में जो है आदरणीय राजेंद्र पांडे जी हैं। बहुत अच्छी पत्रिका है और ये अपने भविष्य में भी बहुत अच्छा कार्य करती रहेगी, इस तरह के कार्य जो करती है जिससे कि हिंदी की समृद्धि हो और विकास हो, इसलिए हमने हिंदी का पत्रिका जो है निकालते हैं। धन्यवाद। इंदौर से आया हूँ, मालवा का जो केंद्र है इंदौर, और चूंकि मालवी को हम लोग वहाँ जिस तरह से आगे बढ़ा रहे हैं, हिंदी को आगे बढ़ाने के लिए प्रयासरत हैं, उसी तरह से यहाँ मैंने देखा है सुरेश दादा के आदेश पे ही मैं इंदौर से मुंबई आया हूँ कवि सम्मेलन के लिए। तो मैंने यहाँ देखा कि जो संस्था है वो इतने वर्षों से, विगत 25 से 26 वर्षों से अनवरत रूप से चल रही है और इतने उत्कृष्ट कार्य हिंदी के उत्थान के लिए कर रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत साधुवाद है पूरी संस्था को। और बहुत अच्छा लगा, आनंद आया सभी मुंबई वासियों से मिलने का, उनको कविताएं सुनाने का, और आदरणीय सुरेश दादा को बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, और पूरी संस्था को थैंक यू सो मच। आयोजन के बारे में ये कहना चाहता हूँ, 30 साल से चल रहा है परंपरा ये, अब बढ़िया प्रोग्राम होता है सम्राट इन्फॉर्मेशन का, बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत। के सहयोग तो पूरा भारत के जितने लोग मतलब है सब लोगों ने सहयोग, सब सहयोग करते हैं जनता पब्लिक। इतना बढ़िया काम कर रहे हैं पांडे जी ना, इतना बढ़िया काम कर रहे हैं और निष्पक्ष भाव से काम कर रहे हैं ना, तो सारे लोग सहयोग करते हैं और कोई ना नहीं बोलता है, और सबका सहयोग हमेशा मिलता है, तभी ना 25 साल से लगातार कार्यक्रम हो रहा है और इतने अच्छे अच्छे कार्यक्रम। जय हिंद। देश मिश्रा जी के सब कमाल है, मैं तो सिर्फ इधर से उधर पर्दे के पीछे वाला आदमी हूँ, पिछले 25 सालों से ये कार्यक्रम कर रहे हैं, इसका उद्देश्य है देश का सेवा और हिंदी का सेवा करना है। उम्मीद नहीं थी क्योंकि हिंदी के लिए उतना लोग जागरूक नहीं है, फिर भी हम लोग प्रयास करते हैं मायक नगरी में। हमारे सारे कवि देश के कोने कोने से बुलाए गए थे। सम्राट इन्फॉर्मेशन वह पत्रिका है जो सब में प्यार बांटने का काम करती है, निष्पक्षता का मिसाल रखती है, और हम सबका उद्देश्य, हमारी पत्रिका का उद्देश्य, सम्राट इन्फॉर्मेशन का उद्देश्य दो ही पंक्तियों में मैं कहना चाहूँगा कि आंसू को मुस्कान बना दे हे भगवान, मुस्काना आसान बना दे हे भगवान, जात धर्म ना छुआ छूत का चक्कर हो, ऐसा हिंदुस्तान बना दे हे भगवान। हम सब कवि ये चाहते हैं कि इसी बहाने हमारी मुलाकात हो और इसी बहाने हिंदी का प्रसार प्रचार प्रसार हो, और देश के कोने कोने से लोग आकर के लोगों को हंसाने का प्रयास करते हैं। आज के युग में हंसी नहीं है, लोग अपने परिवार में भी हंस नहीं पाते हैं,
क्लब में जाते हैं झूठ मूठ के हा 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 करते हैं, यहाँ जो लोग आते हैं दिल से हंसते हैं। और जो हमारे बाबा रामदेव कहते हैं ना, खूब हंसो खूब ठहाके लगाओ, तो जो अंदर से हंसी आती है अंदर से ठहाके आते हैं वो इन कवियों के कारण आते हैं। और ये पूरा मिशन चला रहे हैं कि पूरे देश में हंसी और ठहाके हों, लोग हंसें मुस्कराएं, सारी बीमारियां दूर हो जाएं। थैंक यू। साहित्य के क्षेत्र में साहित्य एक ऐसी पूंजी है, एक ऐसी गिजा है, साहित्य से ही समाज का निर्माण होता है, साहित्य समाज का दर्पण होता है। तो हर साहित्यकार चाहता है कि हमारा देश आगे बढ़े, देश के लिए, समाज के लिए और लोकहित के लिए यह कविताएं लिखी जाती हैं, क्योंकि सृजन की नई सर्जना के लिए, सृष्टि की पीर और वेदना के लिए जब भी उठे कलम, याद रखें सभी कि मानवीय मूल्य नव चेतना के लिए। तो यह मानवीय मूल्य और नव चेतना का काम करती है कविता, और यही कविता कविता में काविता बताती कविता ही है, जिससे समाज देश और का भला होता है और हमारा मानव समाज खुश रहे, प्रसन्न रहे, नेक अच्छी दिशा मिले। मानवीय मूल्य का द्योतक होती है कविता, इसीलिए कविता होती है। और यहाँ का कार्यक्रम जो हुआ, यहाँ के श्रोता जो रहे, वह बधाई के पात्र हैं। आप सभी लोगों का मैं हृदय से अभिनंदन करता हूँ। बिल्कुल, वो मतलब मुझे लगा कि इसके बाद, मैंने कहा भी कि सम्मान पाने के बाद लोग चले जाते हैं, लेकिन श्रोता यहाँ क्या आधे वक्ता थे, उनमें तो पत्रकार थे और कई अच्छे सम्मानीय लोग थे, तो उन लोगों का अपना बुद्धिजीवी लोगों के बीच में ऐसा मतलब वो नहीं होता, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और मैं बस इतना ही कहूँगी कि हम लोगों की कोशिश है छोटे उसमें कि घर अंधेरा ही सही, दिल में उजाला चाहिए, सतत पग आगे बढ़े यह प्रण निराला चाहिए, जीत होगी ही कठिन संघर्ष में सच मानिए, हृदय में उत्साह की बस प्रबल ज्वाला चाहिए। तो बस मैं इतना ही कहूंगी कि पांडे जी की जो शुरुआत, इतनी अच्छी मेहनत, इतना कोशिश कर रहे हैं, वो उनको बहुत बहुत बधाई, साधुवाद, और हम सब कवित्रियों की तरफ से, कवियों की तरफ से उनको सम्मान करते हैं।